वो वाला गिम्बल हो गया फेल, ये वाला आप करेंगे पास। जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते ना हमारे साथ बुरा होता ही होता है। इनकी गर्लफ्रेंड होके कॉल खत्म नहीं हो रहे, यहाँ पे शूट चालू होने वाला है। ये रहा हमारा बड़ा सा कैमरा जिसने हमको 3 दिन दुख दिया है। ये गरीब से भाई का वीडियो शूट होने वाला है, म्यूजिक वीडियो शूट। शकल देख रहे हो, भाई लोग गए हैं गिम्बल लेने के लिए, तो गिम्बल लेके आएंगे तब जाके हमारा शूट फिर से शुरू होगा। बड़ी मशक्कत के बाद ये शूट चालू हो चुका है। नहीं चाहता कि हमारा रीशूट हो। अ डे स्टार्टिंग फ्रॉम अ पूल बोर्ड। ऐसा नहीं है कि मैं पूल खेलने आया हूँ, बट द थिंग इज कि हम आए हैं शूट करने एंड यहाँ पे हमारे सारे भाई लोग इकट्ठे हो रखे हैं। तो सीन है भाई, हमारा हो रहा है वीडियो शूट, तो ये हमारा मत मैं पूरा तो नहीं दिखाने वाला। ये हमारे एक्टर हैं धनी धनी रईस रईस, देखो गोल्ड की चेन, 50 तोला बाबा 50 तोला। अरे डायमंड भी हो ये। तो यहाँ पे हमारे पांडे जी आ गए। पांडे जी आफ्टर सो लॉन्ग ऑन माई ब्लॉग्स, मोस्ट वेलकम। और ये हमारे ब्रदर हैं, हमारे मेन हेड ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है ना। इनके बिना ये प्रोजेक्ट हो ही ना सकता, ठीक है ना। तो ये हमारे हेड ऑफ दिस प्रोजेक्ट है एंड हमारे ब्रदर यहाँ पे कैमरा सेटअप कर रहे हैं। तो ये हमारा पूरा सेटअप हो रखा है यहाँ पे। तो ये रहा हमारा बड़ा सा कैमरा जिसने हमको 3 दिन दुख दिया है मिलने में ही। बाकी हमारी मॉडल है वहाँ पे, ठीक है। तो हमारा होने वाला शूट आज यहाँ पे, और शूट बता दूँ तो हमारे ये गरीब से भाई का वीडियो शूट होने वाला है, म्यूजिक वीडियो शूट। शकल देख रहे हो, मासूमियत देख रहे हो, गैंगस्टर है ये, सस्ता गैंगस्टर। तो बस यही सेटअप हो रहा है, सुबह से मतलब लगे पड़े हैं इसी चीज़ पे। और बाकी तो मतलब 3-4 दिन से हम लोग भागे फिर रहे हैं इधर से उधर, बस मैं दिखा नहीं पा रहा क्योंकि मैं खुद भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ व्लॉग। सीन यही था कि मतलब कैमरा सेटअप से लेके हमारा मॉडल से लेके जो भी मतलब जितना भी सेटअप होता है ना म्यूजिक वीडियो के लिए, उसी में घूमे फिर रहे हैं। बाकी आपका भाई भी एक आधे गाने लेके आ रहा है, सस्ते सस्ते से गाने, है ना ब्रदर, सही कह रहा हूँ ना। हाँ पांडे जी, फिर बस यही सेटअप वेटअप कर रहे हैं। बाकी भाई यहाँ पे लिरिक्स के लिए थोड़ा सा क्या 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 चल रहा है, गर्लफ्रेंडों के मैसेज आ रहे हैं। ये नहीं कि मतलब जो गाना है वो याद कर लूँ, गर्लफ्रेंडों के मैसेज ओपन कर रहा हूँ। अच्छा गाना सर, तो ये हम नहीं सुना सकते गाइस क्योंकि ये हमारा जो है ये पर्सनल जो म्यूजिक है वो अभी ये लिरिक्स याद कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे मेकअप चल रहा है, हमारा भी कर दो थोड़ा सा मेकअप, हम भी गोरे से हो जाएंगे। तो भाई वहाँ पे गाना चालू हो गया, म्यूजिक जो है भाई के चैनल पे आएगा, वो आप जाके देख लेना। हमारे अमजद भाई को कुछ टेंशन सी हो रखी है, तो इनको लिरिक्स याद नहीं हो रहे, एक तो वो मैटर हो गया और दूसरा हमारा मैटर है जो हमारा गिम्बल है। ये भाई साहब, ये जो गिम्बल है ना हमारा, ये प्रॉपर नहीं बैठा इसमें क्योंकि जो हमारा कैमरा है वो थोड़ा सा हैवी है और गिम्बल बहुत छोटा है। ये मतलब छोटे कैमरे के लिए, FX3 समथिंग के लिए, और हमारा जो कैमरा है वो थोड़ा सा बड़ा है और वो मतलब हाई क्वालिटी वाला कैमरा है। तो हमने पर्सनली ये वाला चूज़ किया था, ये वाला भी नहीं, हमने इससे अलग वाला चूज़ किया था ना भाई, बट क्या करें किस्मत हमारी थोड़ी सी ख़राब है तो हमको वो वाला कैमरा ना मिल पाया। तो उसके अलावा हमने 6K कैमरा है ये वाला, तो ये चूज़ करा था। सीन यही हो गया है कि भाई अभी गिम्बल हमारा प्रॉपर नहीं बैठा, तो अभी भाई लोग गए हैं गिम्बल लेने के लिए, तो गिम्बल लेके आएंगे तब जाके हमारा शूट फिर से शुरू होगा। और दूसरा मैटर एक और ये आ गया कि यहाँ पे लाइट ना आ रही, तो लाइट नहीं है तो बाहर का लाइट नहीं जलेगा, लाइट नहीं जलेगा तो बोतलें नहीं दिखेंगी, बोतलें नहीं दिखेंगी तो हमारा काम नहीं होगा। आधी दुनिया तो बोतलें देखने आएंगी यहाँ पे, है ना बाबा। ये तो बात मैं मतलब रोज कहता हूँ कि हमारी किस्मत है ना कुछ और ही चीज से लिखी हुई है, कि जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं ना हमारे साथ बुरा होता ही होता है, और बुरा ना हो तो फिर लक्स राइडर कहाँ का। तो फिर हमारा नाम इसलिए बताना। ये देख लो एक चंपू, इसको करने के लिए क्या लेके आए थे, कर क्या रहा है ये यहाँ पे, पूले खेल रहा है। हमें यहाँ टेंशन हो रही है, हमारे दिमाग से बातें निकली नहीं जा रही, इसे पूल खेलना है बताओ यहाँ पे। ये सही है गुरु, नहीं नहीं ये सही है गुरु, तुम्हारा काम तुम्हारे पे होना रहे, पूल खेल लो तुम यहाँ बैठ के। यहाँ यहाँ बंदे को टेंशन हो जा रही है, यहाँ घर से घर निकाला ना कर दे कोई ने। सही कह रहा हूँ। सो बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद हमारा एक गेम खत्म हुआ था, इसमें जीते थे हम, पांडे जी हार गए हमसे और हमारे ब्रदर लोग आ गए यहाँ पे। हमारा दूसरा गिम्बल का सेटअप आ गया और ये आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरा गिम्बल सेटअप हो रहा है, कैमरा सेटअप हो रहा है। वो वाला गिम्बल हो गया फेल, ये वाला आप करेंगे पास। आई थिंक सो ये काम कर जाएगा, ये कर जाएगा ना ब्रदर, चलो सही है। तो ये दूसरा गिम्बल आया है तो इसमें ये अपन लोग सेटअप कर रहे हैं, बाकी सारा यहाँ पे हमारा झमेला बिखरा पड़ा है। और हमारे ब्रदर भी आ गया, हेलो ब्रदर, हाउ इज इट गोइंग, ऑल गुड। और हैं हमारे यहाँ पे हमारे बहुत ओल्ड फ्रेंड, हमारे पूल पार्टनर है एक्चुअल में, ये ना मैं कभी भी मतलब यहाँ पे आता हूँ ना तो पूल खेलने के लिए, तो यहाँ पे कोई मेरे को पार्टनर नहीं मिलता तो मैं इन्हीं के साथ खेलता हूँ, मस्त खेलता है भाई। इनकी गर्लफ्रेंड होके कॉल ख़त्म नहीं हो रहे, यहाँ पे शूट चालू होने वाला है।
दोस्त की। ओ सर हेलो हाउ आर यू, आई एम गुड फाइन थैंक यू। तो औरत का चक्कर बाबू भैया। तो बस गिम्बल सेटअप हो रहा है, बाकी अब ये लिरिक्सिंग विरिक्सिंग जो भी है अभी वो करेंगे और अपना फिर से स्टार्टअप हो जाएगा। एक लोकेशन कुछ ऐसा है हमारा, बाकी यहाँ पे एक सीन शूट होने वाला है, एक सीन हमारा पूल टेबल में शूट होगा और बार वाला शूट होने वाला है जो वहाँ पे बार आप देख पा रहे हो। तो बस यही कुछ है, बाकी भाई को बोलते हैं रेडी हो जाओ और फिर स्टार्ट करते हैं। बिहाइंड द सीन दिखाता हूँ आपको, कमी पड़ रही थी तो बस इस चीज़ की, मतलब वैसे तो स्पीकर है ऊपर बट मैं ले आया एक्स्ट्रा क्योंकि लाइट चली जाती है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी पहुंच गया मैं फिर से यहाँ, मैं चला गया था स्पीकर लेने और ये हमारे यहाँ पे ग्रुप वाले बैठे हैं, ये देख सकते हो आप। भाई फाइनली गाइज, बड़ी मशक्कत के बाद ये शूट चालू हो चुका है एंड यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है और यहाँ पे हमारे फोटोज क्लिक हो रहे हैं, वो होते हैं थंबनेल के लिए, पोस्टर के लिए। तो ये यहाँ पे कर रहे हैं और हमारी एक समस्या ये हो गई कि लाइटिंग ऐसा हो गया है कि यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है और वो फेस को हिट कर रहा है और ये वाला जो सनलाइट है ना, ये सनलाइट हमको सपोर्ट नहीं कर रहा। और बाकी ऐसे हम लोग रैंडम किक्स ले रहे हैं, मतलब जो रैंडम क्लिक्स होते हैं उसमें से हम लोग थंबनेल के लिए जो पर्सनली निकालेंगे वो वाला आएगा। सो गाइज, हमारा जो है शूट हो चुका है ख़त्म और यहाँ पे डिस्कस चल रहा है पूरा गैंग का। क्या डिस्कस चल रहा है वो देखो, वहाँ पे व्लॉग भी चल रहा है। जी हिंदी सीख रहे हैं ये भाई, हिंदी सीख रहे हैं। फाइनली हमारा हो चुका है पैकअप और ये हमारा कुछ लोकेशन एरिया था एंड हमारे बंदे वो बैठे हैं वहाँ पे। नाइट टाइम हो चुका है, बाकी हमने ये लोकेशन यूज़ किया है, बार लोकेशन यूज़ किया है और सारे बंदे मतलब यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं एट द एंड। और मेरा जो है, मेरा मतलब जो सीन था वो सब कंप्लीट हो गया है और सब पैकअप हो गया है, कैमरा वैमरा पैकअप हो गया। अब हमें अपने को जाना है स्टूडियो, स्टूडियो जाके क्या है, स्टूडियो में फिर अपने को क्लिप्स जो है वो लेनी है अपने लैपटॉप में और फिर अपने को सीन करना है कि सारे क्लिप्स ओके आए हैं या नहीं, क्योंकि मेन मैटर ये रहता है कि बाकी अगर क्लिप्स ख़राब हो गए तो हमको कल फिर से शूट करना पड़ेगा, रीशूट करना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि हमारा रीशूट हो, तो इसीलिए। बाकी अपना यहाँ देख लो मस्ती चल रही है पूरा और हमारा सारा सेटअप पैक हो गया है, ये हमारे सारे एसेसरीज वेसेसरीज बैग रखा है पीछे और यहाँ मस्ती। हमारी जो मेन एक्ट्रेस है वो तो चली गई है, जो मेन एक्ट्रेस थी उसको थोड़ा सा काम आ गया था तो इसीलिए वो थोड़ा जल्दी 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 करे जा रही थी। हमने कहा ठीक है आप चले जाओ, हम कल शूट कर लेंगे, जो हमारा पेंडिंग है वो शूट हमारा कल होने वाला है, तो अभी वो तो चली गई है। बाकी हम यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं कैमरा मैन और हम सारे, तो वो जो हैं हिंदी सीख रहे हैं और ये जो हैं नेपाली सीख रहे हैं, तो दोनों का कोलैब हो गया है ठीक है। बाकी अपना मस्ती ले रहे हैं सारे, तो ये भी अच्छा है, मतलब पहले शूट कर लो फिर बाद में सारे मिलके मस्ती लो ठीक है ना। वैसे लोकेशन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैंने प्राइम चूज़ करी, लोकेशन बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे। एंड अगर आपको मैं बता दूँ तो ये पोखरा में लेक साइड में बहुत ही अच्छा कैफे, बहुत ही अच्छा कैफे। अगर मेरे चैनल से कोई देख के आना चाहता है ना, पक्की बात है उसको डिस्काउंट मिलेगा। आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि लक्स राइडर के थ्रू आए हैं, यहाँ पे आ जाना, ये है नेपाल हॉस्टल करके और यहाँ पे आपको पूल टेबल उलटेबल सारी सुविधाएं मिलेंगी, पूल खेलने के लिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे, टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छा है। बाकी अगर आप अपने बंदी के साथ आ रहे हो तो वहाँ कोने में बैठ के आप मस्त चिल भी कर सकते हो और खाने पीने का भी अच्छा खासा है ठीक है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो।